हृदय एलिजा जमालीले आइसिंह ठकुरीलाई भने यस्तो, पछिल्लो समय सर्वाधिक रुचाएका यी दुई प्रेम जोडी बीच के भयो यस्तो। एलिजाले हृदय आइसिंह ठकुरीलाई फोन गर्दै भने यस्तो, अब के होला यी दुई जोडिएको सम्बन्ध? काहे कि तुमसे बात ही नहीं करनी। पता नहीं, बस उन्होंने कहा कि इससे अब कोई भी वो नहीं रखना है, तुमने ना इससे दोस्ती रखनी है, ना इसके साथ लाइव जाना है, ना कुछ, ना टिकटॉक अपलोड करनी है। और बोला है कि अपना टिकटॉक का अकाउंट भी डिलीट करो और इंस्टा का भी। नहीं कर सकते, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तुम देखो तुम्हें जैसे करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिहानै एलिजाले हृदय फोन गर्छिन्। उनी भन्छिन्, अबदेखि कुनै पनि कुरामा म उपस्थित हुन पाउँदिनन्, म टिकटक लाइभमा, फेसबुक र इन्स्टामा समेत उपस्थित हुन सक्दिनँ भन्दै आयुषले हृदय भनिन्। आयुष भने यो कुरा सुनेर निकै भावुक भएका छन्। भावुक भएर पनि आयुषले एलिजाको बुबासँग समेत बोल्न खोजे। एलिजाले भने आफ्नो बुबासँग बोल्न दिएनन्। तुम क्यों इतना मुश्किल कर रहे हो, मत करो ऐसे। मतलब एक दिन दो दिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, किसी को किसी की आदत थोड़ी होती है। अब तुम सारी बातें मुझ पे डालो। तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए जब तक मैं कर सकती थी मैं दीवार बन के खड़ी हुई थी। अभी आई लॉस्ट होप। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि हमारी लास्ट कॉल है, तो बस फिर ठीक है ना। कैसे लास्ट कॉल है यार, पांच दिन में तो मतलब साथ ही रहना है यार, कुछ साथ रहे सॉल्व करने के बजाय तुम मतलब लास्ट कॉल ये वो बोल के दूर होती जा रही हो। तुम्हें पता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, बट अभी मुझसे नहीं हो रहा। केही समय अघि मात्र आफ्नो परिवार समेत लिई नेपाल आएका थिए। नेपाल आई दुवैजना पोखरा अन्नपूर्ण समेत घुमेर पूर्ण दुवै फर्किँदा आयुषलाई पनि दुवै नै लाने बाचा गरी गहभरि आँसु बोकी फर्केका थिए। दुवै पुगिएका केही समयपछि भने एलिजाले अब हाम्रो मिलन कहिले पनि हुन नसकिने भयो भन्दै आयुषलाई रुँदै फोन गरे। एलिजाले आयुषलाई यतिसम्म पनि भने, तिमी छोरा मान्छे हौ र तिमी राम्रो पनि छौ, म जस्तो हजारौँ भेटिन्छ तिमीले। थाहा छ बिर्सनलाई गाह्रो हुन्छ, तर पनि बिस्तारै बानी बसाल्नु पर्छ। यता आयुषलाई भने यो खबरले निकै भावुक बनाइरहेका थिए। एलिजाले भने यो युट्युब झक्क रूपमा आयुषलाई प्रैंक गर्दै थिए। आयुषले भने साँच्चीकै हो कि जस्तो लागेर निकै भावुक भएका थिए।